नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल प्रदेश की खबरों में। मैं हूं आपके साथ ज्योति। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। शिमला में 73.43 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया शिलान्यास, बहुमंजिला बस अड्डा निर्मित करने की घोषणा। शिमला में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम का आयोजन, स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कार्यक्रम में की शिरकत, कहा महिलाओं को सुक्खू सरकार दे रही 1500 रुपये की सहायता। शिमला में यूनिवर्सल कार्टन में बिकेगा सेब, बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने किया ऐलान, जल्द जारी होगी एसओपी। शिमला में प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रवक्ता कौशल मुंगटा ने की पीसी, बीजेपी सांसद सुरेश कश्यप पर साधा निशाना, कहा 300 पंचायतों को नहीं दिया एक भी रुपया। शिमला में बागी सुधीर शर्मा पर कांग्रेस का बड़ा एक्शन, विधायक को एआईसीसी सचिव पद से हटाया, राष्ट्रीय महासचिव के सी वेणुगोपाल ने आदेश किए जारी। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों की। शिमला जिले के नेरवा में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 73.43 करोड़ रुपए की कई योजनाओं का शिलान्यास किया है। वहीं सीएम ने एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार नवीन योजनाओं के माध्यम से राज्य के जन जन के जीवन स्तर में सुधार के लिए कार्यरत है। आगे उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जनहितैषी सोच के साथ न केवल योजनाओं को धरातल पर उतार रही है, बल्कि चुनाव पूर्व लोगों के साथ किए गए वायदों को कठिन वित्तीय स्थिति के बावजूद भी पूरा कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने गत दिवस प्रदेश की 18 साल से अधिक आयु वर्ग की महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत 1500 रुपये मासिक प्रदान करने की घोषणा कर अपनी गारंटी पूरी की है। उन्होंने इस अवसर पर नेरवा में बहुमंजिला बस अड्डा निर्मित करने, दुग्ध शीतन केंद्र स्थापित करने, अग्निशमन केंद्र खोलने और राजकीय महाविद्यालय नेरवा में 2 विषयों में पीजी कक्षाएं आरंभ करने की घोषणा की। मल्टी स्टोरी बस स्टैंड बनाने की भी हम घोषणा करते हैं। एक मिलक सीलिंग प्लांट यहाँ लगाना है। यहाँ हमारी काफी माताएं बहने दूध इकट्ठा करती है। अब आने वाले समय में ये दूध का रेट 45 रुपये रुकने वाला नहीं, आगे बढ़ेगा, और उसके लिए हमें चिलिंग कलेक्शन सेंटर बनाना पड़ेगा। इसकी भी मैं बनाने की घोषणा करता हूँ। एक मिनी सचिवालय नेरवा में बनाने की घोषणा करता हूँ। अग्निशमन केंद्र नेरवा को याद देने। शिमला के पीटरहॉफ में राज्य स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान महिलाओं के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों और स्वयं सहायता समूहों के द्वारा बनाए जा रहे उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई। इसके अलावा रस्साकसी जैसी कई कार्यक्रमों की तरफ से महिला सशक्तिकरण का संदेश भी दिया गया। वहीं स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने इस दौरान कहा कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, लेकिन शिवरात्रि के चलते इसे आज मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं, महिलाएं आज पायलट के रूप में सेवाएं दे रही हैं, इसके अलावा गृहिणी अधिकारी व हर क्षेत्र में महिला अपना योगदान दे रही है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के उत्थान के लिए प्रदेश सरकार ने 1500 रुपये देने का फैसला लिया है, इसे दिया भी जा रहा है, जो महिलाओं के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। इसलिए करना पड़ा कि उस दिन शिवरात्रि आ रही है और लोग बहुत ज्यादा बिजी हो जाते हैं उस पर्व में, इस करके ये एक दो दिन पहले करना पड़ा। मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस पुण्य अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को, पूरे देशवासियों को और सभी क्षेत्रवासियों को, सभी महिलाओं को जो हम सब के लिए जननी भी है, साथी भी है और सखा भी है और एक मित्र भी है और मैं समझता हूँ सबसे बड़ी रक्षक भी है। वेदों में कहा है जहां पर महिलाओं को सम्मान दिया जाता है वहां देवताओं का वास होता है। यत्र नार्यस्य पूज्यन्ते रिमन्ते तत्र देवता। और मैं समझता हूँ ये एक बड़ी पुरानी वेदों की ऋचा है जो हमारे देश में जिसका पालन किया जाता है, माँ के रूप में, दादी के रूप में, बुआ के रूप में, बेटी के रूप में, बहन के रूप में, सखा के रूप में, एंड एज ए लाइफ पार्टनर
वुमेन आर डूइंग एन एक्सट्रीमली गुड जॉब इन टुडेज वर्ल्ड। और हिमाचल प्रदेश में अब यूनिवर्सल कार्टन में सेब बिकेगा, सरकार ने इसको लेकर के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। वहीं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने सचिवालय में पत्रकार वार्ता करके कहा कि वजन के हिसाब से सेब बेचने की व्यवस्था की गई थी और अब यूनिवर्सल कार्टन को नीतिगत तरीके से लागू किया जा रहा है, जिससे बागवानों को फायदा होगा। इसको लेकर के एसओपी जल्द जारी की जाएगी, साथ ही 20 किलो और 12 किलो सेब पेटी की सेब पैकिंग की व्यवस्था भी की जाएगी। इसके अलावा अब टेलीस्कोपी कार्टन पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। आगे उन्होंने कहा कि टेलीस्कोप कार्टून में अब से नहीं बिकेंगे और अगर कोई बेचेगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। कोई मनाही नहीं है, पर यह कि जो पैकेजिंग होगा वो जो है स्टैंडर्डाइज होगा और उसको जो आप चाहे यूनिवर्सल कहें, जो है उसका जो है पूरा टोटल लेंथ कितना होगा, विड्थ कितना होगा, उसके अंदर कितना केजी आएगा, सब जो है स्टैंडर्ड एसओपी होगा। थोड़ा सा स्पेसिफाई कर दे जरा इसमें कि ये किस तरह का यूनिवर्सल कार्टन होगा और क्या ये 20 किलो का होगा, 22 का होगा, जो फैक्ट्री समझ गया आदेश दे दिया है। बिल्कुल, हमने जो मीटिंगें हुई थी उसमें मैन्युफैक्चरर्स को भी बुलाया गया था, बागवानों को भी बुलाया गया था और जो टेक्निकल लोग है सबको बुला के राय ली गई थी और उस राय लेने के बाद ही ये जो है हमने फाइनल इसका किया है। जहां तक पेटी की बात है और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर विभिन्न राजनीतिक दल तैयारियों को लेकर सजग हैं। इसी कड़ी में हिमाचल जनता पार्टी ने जो है शंखनाद कर लिया है और लोकसभा चुनाव को लेकर के मंडी में प्रेस वार्ता की है, जिसमें पार्टी अध्यक्ष पवन कटोच ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि देश और प्रदेश में शिक्षा और अन्य सुविधाओं की हालत खस्ता है, जिसकी वजह से सरकार एक कर्ज में है, लेकिन हमारे पास बहुत ऐसे प्लान हैं जिससे हम सरकारों को कर्जा मुक्त कर सकते हैं। हमने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रखी है वो इसलिए रखी है क्योंकि हमने अपनी लोकसभा सीट मंडी के लिए अपना प्रत्याशी घोषित करना है, जो कि जिनका नाम है महेश सैनी। ये हमारे एमपी सीट के लिए मंडी से फाइट करेंगे जी, और इनमें हमारे मेन मुद्दे जो रहेंगे, एक तो रोजगार, जिनका बाकी सरकारों ने बोला है कि हम रोजगार देंगे जब से हमारा देश आजाद हुआ है, लेकिन उनके पास उसका हल नहीं है। उनका हल हमारे पास है, हम पूरी दोनों सरकारों से बोलेंगे कि अगर उनको हल नहीं मिलता तो मैं बताता हूं रोजगार कैसे लोगों को देना है। नंबर दो, गाय लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट होते ही आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। जिला परिषद सदस्य हाटकोटी और प्रवक्ता प्रदेश कांग्रेस कमेटी कौशल मुंगटा ने शिमला में प्रेस वार्ता कर कहा कि शिमला संसदीय क्षेत्र में बीजेपी सांसद सुरेश कश्यप ने 300 से भी अधिक पंचायतों को एक भी रुपया अपने 5 सालों के कार्यकाल में नहीं दिया है। 15 साल से बीजेपी के सांसदों ने शिमला लोकसभा क्षेत्र को लावारिस छोड़ दिया है और सांसद निधि तक का सही तरह से बंटवारा नहीं किया है। कौशल मुंगटा का कहना है कि शिमला लोकसभा सीट में 17 विधानसभाएं आती है, जिनमें की 900 के लगभग पंचायतें हैं और सूचना के अधिकार से मिली जानकारी के अनुसार बीजेपी के सांसद सुरेश कश्यप ने 300 पंचायतों में विकास कार्य के लिए एक भी रुपये की मदद नहीं की है। कोरोना के समय भी सांसद क्षेत्र से नदारद रहे, आपदा के समय भी कोई मदद केंद्र ने नहीं दिलाई। आता है कि आप सेब की आवाज उठाते, किसी व्यक्ति ने 5 साल में सुना हो कि माननीय सांसद ने नरेंद्र मोदी जी के सामने संसद के अंदर ये बात बोली हो कि इंपोर्ट ड्यूटी जो आप घटाते जा रहे हैं, क्यों घटा रहे हैं आप, हमारी 6,000 करोड़ की आर्थिकी इस पर निर्भर है, कभी बात नहीं की सांसद ने। हमारे सोलन का जो है ना टमाटर कितना फेमस है, लोगों की कृषि, लोग जुड़े हैं उससे, लोगों की आर्थिकी जुड़ी है उससे, कभी उन्होंने इस क्षेत्र में कभी काम नहीं किया। हर दूसरा साल सोलन के अंदर क्या होता है कि टमाटर का जो रेट है पूरे देश के अंदर 2-3 रुपए किलो जाता है, कई बार रेट नहीं मिलता। तो आपने कभी आपने ये नहीं समझा कि मैं एक छोटी सी यूनिट स्टार्ट कर दूं, हम कोई केंद्र से छोटी सी इकाई ले आए। तो शिमला लोकसभा के अंदर इस बार अच्छा आदमी जाए, और चाहे कोई भी जाए, और ऐसे आदमी जिन्होंने हमारी 15 साल से लोकसभा सीट को जो है ना पीछे लाने का काम किया है और हमारा मान घटाने का काम किया है। और शिमला में बीजेपी मीडिया प्रभारी कर्ण नंदा ने कांग्रेस प्रवक्ता का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी केवल दुष्प्रचार में ही विश्वास रखती है और बिना जानकारी बयानबाजी कर रही है। उन्होंने कहा कि शायद उनको दिखता नहीं है, पर बीजेपी के सांसद सुरेश कश्यप ने 15,000 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य अपने संसदीय क्षेत्र में करवाए हैं। अगर हम इसको गिनने लग जाएं तो बहुत बड़ी सूची है।
पर लगता है कि समय आ गया है कि हमें कुछ उदाहरण उनके समक्ष रखने पड़ेंगे। आगे उन्होंने कहा कि हमने विधानसभा क्षेत्र के अनुसार भी एक लेखा जोखा तैयार किया है, पर एक बार प्रवक्ता साहब के क्षेत्र के बारे में बात कर लेते हैं। जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र के लिए सांसद सुरेश कश्यप ने 76 कामों के लिए सांसद निधि का वितरण किया है। सांसद ने कोई काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी का मानना ये है कि कांग्रेस के प्रवक्ता को शायद जानकारी ही नहीं है और बिना तथ्य जो है वो बयानबाजी करने के लिए आए हैं। शायद वो टिकटार्थी भी हो सकते हैं, तो हो सकता है कि केवल मात्र एक अच्छे सांसद की छवि खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। हमने आज तक बोला नहीं कि काम नहीं हुए, पर आज शायद वक्त आ गया है कि काम गिनाने पड़ेंगे। हम उनको बताते हैं कि सांसद सुरेश कश्यप जी के कार्यकाल के अंतर्गत 15,000 करोड़ रुपए के कार्य संसदीय क्षेत्र शिमला के अंदर हुए हैं। इसका अगर हम जानकारी देने का आपको प्रयास करें तो सबसे पहले मैं ध्यान आपका IIM सिरमौर धौलाकुआं की तरफ ले जाऊंगा, जहां 309 करोड़ की राशि जो है वो इन्होंने स्वीकृत। और शिमला में बागी विधायक सुधीर शर्मा पर कांग्रेस हाईकमान ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि उन्हें AICC के सेक्रेटरी पद से हटा दिया गया है और राष्ट्रीय महासचिव KC वेणुगोपाल ने आदेश जारी कर दिए हैं। इसी के साथ ही राजेंद्र राणा ने प्रदेश कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेज दिया है और इसके ही अब इनके वापसी के सभी द्वार भी बंद होते नजर आ रहे हैं। ये 6 कांग्रेस बागियों में से 2 बागी हैं, जिन्हें विधानसभा अध्यक्ष ने कुछ दिन पहले सभी 6 विधायकों को अयोग्य घोषित किया था और इन सभी ने लोकसभा के बीजेपी उम्मीदवार को वोट किया था। अब कांग्रेस हाईकमान 4 बागियों पर क्या करती है, इस पर सभी की नजर टिकी हुई है। और 7 मार्च से धर्मशाला के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भारत इंग्लैंड के 5वें और अंतिम टेस्ट मैच को लेकर के टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में जमकर अभ्यास किया। टीम इंडिया सीरीज में 3-1 की अजेय बढ़त हासिल कर चुकी है, उसमें इंग्लैंड की को जो है पिछले मैच में 5 विकेट से हराया गया था। अगर भारत के धर्मशाला में रिकॉर्ड देखें तो वो अच्छा रहा है। टीम इंडिया ने यहां अभी तक 1 ही टेस्ट मैच खेला है और उसे जीत लिया था। भारत और इंग्लैंड के बीच धर्मशाला में पहली बार टेस्ट मैच खेला जाएगा। दरअसल भारत ने अभी तक धर्मशाला में 1 ही टेस्ट मैच खेला है। यह मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मार्च 2017 में खेला गया था। टीम इंडिया ने इस मैच को 8 विकेट से जीत लिया था और अब अगर भारतीय टीम सीरीज का आखिरी मुकाबला भी अपने नाम करती है तो वो टेस्ट इतिहास में 112 साल बाद एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर लेगी। खबर हिमाचल प्रदेश देख रहे थे आप, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।